तो बच्चों आप लोग पोएम सेकंड पढ़ लिए और उसका क्वेश्चन सर भी हम करवा दिए हैं, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग पोएम थ्री पढ़ेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कुछ बच्चों का शिकायत है कि सर आवाज़ आपका नहीं आता है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी वीडियोस देखें ईयरफोन जरूर लगा लें। ईयरफोन लगाने से क्या होगा कि आपकी हमारी आवाज़ जो है स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। बिना ईयरफोन के बाहरी भी डिस्टर्बेंस होती है तो आवाज़ नहीं जाता है। तो देखिए थर्ड पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, मतलब कि शांत रहिए। इसके जो कवि महोदय हैं जिनका नाम है पैब्लो नेरुदा। क्या नाम बच्चों? पैब्लो नेरुदा, पैब्लो नेरुदा। ये 1904 में जन्मे और 1973 में इनका देहावसान हुआ। तो इनका शॉर्ट नेम पैब्लो नेरुदा था, लेकिन इनका पूरा नाम इस प्रकार से है नफ्ताली रिकार्डो रियासी वेस्टोलेटो। और ये चिली नामक देश में जन्मे। इनको जो है कि 1971 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और इनकी कविताएं बहुत ही ज्ञानवर्धक और सारगर्भित, सारगर्भित मतलब कि ज्ञान का रहस्य लिए हुए कविताएं होती थी। इसीलिए इनको जो है कि उन्हें इनकी जो सारगर्भित और ज्ञानवर्धक जो कविताएं थीं, जिसके वजह से 1971 में इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस कविता में इन्होंने जो है बताया है कि शांत रहने के क्या क्या फायदे हैं, हमें क्यों शांत रहना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि स्पीकिंग इज गुड बट साइलेंस इज बेटर, मतलब कि बोलना अच्छी बात है लेकिन शांत रहना उससे भी अच्छी बात है। जो अधजल गगरी छलकत जाए जैसा कहावत सुने होंगे आप लोग, कम जानकार लोग ज़्यादा फजर फजर बोलते हैं और बुद्धिमान लोग ज्ञानवान लोग शांत बने रहते हैं। नदियाँ कम जलपा करके उफाने लगती हैं, लेकिन समुद्र में बहुत ही जल है तो देखिए कि वह शांत बना रहता है। तो झुकता वही है जिसके पास ज्ञान है, फलदार पेड़ ही झुक जाते हैं। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कवि जो हैं शांत रहने के कौन कौन से और भी गुण बताए हैं। कवि कहते हैं कि मैं 12 गिनूंगा और आप लोग सब शांत हो जाइए। अब सवाल है यहाँ पर कि अक्सर लोग बोलते हैं कि 3 गिनूंगा शांत हो जाइए या 5 गिनूंगा तो शांत हो जाइए, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन कवि बोलते हैं कि 12 गिनूंगा तो शांत हो जाइए। अब कभी 12 क्यों गिनने के लिए बोलते हैं? तो आपको बताए थे कविताओं में कि मीनिंग कुछ और होता है, उसका कहने का भाव कुछ और होता है। इसमें 12 इसलिए गिनने को कहते हैं कभी क्योंकि 12 घंटे के बाद दिन बदलता है और 12 घंटे के बाद रात भी बदल जाता है और 12 महीने के बाद वर्ष भी बदल जाता है। अर्थात कम से कम दिन में एक बार अथवा रात में एक बार अथवा वर्ष में, तो दिन और रात में नहीं हो पा रहा तो वर्ष में भी कम से कम एक बार कभी शांत रहने के लिए कहते हैं। आगे कभी कहते हैं कि कितना शांत रहना है, तो कम से कम 1 सेकंड तक भी, 1 सेकंड तक भी आप जो है शांत रहिए।
और किन लोगों को शान लाने के लिए कहते हैं? तो कहते हैं कि पूरी दुनिया को एक साथ, पूरी दुनिया एक साथ एक सेकंड के लिए कम से कम शांत हो जाए। ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ कुछ वहां, ऐसा नहीं, एक साथ पूरी दुनिया, और ऐसा नहीं कि आज कल परसों, ऐसा नहीं, एक साथ एक सेकंड के लिए शांत हो जाए। या तो दिन हो या रात हो या वर्ष में एक बार हो, लेकिन एक बार हो। कभी कोई भाषा नहीं बोलने बोलते हैं। भाषा क्यों नहीं बोलने बोलते हैं? क्योंकि भाषा जो है वह एक असमानता पैदा करता है। कोई अंग्रेजी बोलता है तो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, कोई खोटा बोलता है तो उसको छोटा समझा जाता है। तो इसलिए कई बोलते हैं कि कोई भाषा नहीं बोलना है, शांत हो जाइए, कोई काम भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि चुप रहना है तो काम करते रहिए, चुप रहिए, ऐसा नहीं। चुप रहने के साथ साथ काम भी नहीं करना है। तो कभी काम करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? तो कभी काम करने के लिए इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि काम करने से एक भागम भाग, एक आपाधापी भाग दौड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। और ऐसी हालात में हम लोग जलन, ईर्ष्या, डिप्रेशन इत्यादि के शिकार हो जाते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है 3 तल्ला बिल्डिंग ठोक लिया, हम कुछ नहीं कर पाए, हम भी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि हम भी उसे 4 तल्ला ठोक लेंगे, और नहीं ठोक पाते हैं तो उसी को गिराने का प्रयास करते हैं, अपने मित्र को ही, क्यों तीर से उसका दोए रह जाए। तो इसलिए कभी कहते हैं कि नहीं, शांत रहना है, एकदम से चुप भी रहना है और काम भी नहीं करना है, एक साथ पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। अब यहां पर कभी कहते हैं कि शांत रह करके मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग खा पी के सो जाइए। शांत रहने के बाद यहां एक शब्द आया है, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म निरीक्षण करना, अपने अंदर झांकना, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं। जिस दिन दुनिया, पूरी दुनिया एक साथ शांत होकर के अपने अंदर झांकने लगेगा, अपने आप को समझने लगेगा, उस दिन दुनिया की सारी समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएंगी, एक साथ समाप्त हो जाएंगी। जब हम अपने आप को जान लेंगे कि मैं कौन हूं, तो आपको पता चलेगा कि जिसको हम जान रहे हैं, जैसे आप अपने आप को कैसे जान रहे हैं, एक नाम से, एक शरीर से, एक धर्म से, एक जाति से, कि मेरा ये जाति है, मेरा ये नाम है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये शरीर है, तो वो चीज आप नहीं है। और जिससे हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं कि मैं वो नहीं हूं, वही आप है। मतलब कि अगर आप अपने आप को जान जाते हैं तो समझ जाइएगा कि टोटल जो है कायनात, पूरी सृष्टि मुझ में समाया है और मैं सब में समाया हुआ हूं। जैसे कि एक बिजली के तार में बिजली गुजरती है तो हम लोग उससे एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, तो सबके रूप रंग चेहरे आकार अलग है, लेकिन जो उसमें बिजली दौड़ रही है वो एक ही है।
तो उसी प्रकार से अगर जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे कि मैं कौन हूं, तो भगवान की जो खोज है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान न तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में बसते हैं, वो तो हमारे हृदय में है, हमारे पास है, मैं ही हूं। ऐसा आपको पता चल जाएगा कि भगवान मैं ही हूं। और जब आप को पता चल जाएगा कि भगवान मैं ही हूं, तो आप जो हैं, आपके और भगवान के बीच कुछ रहेगा ही नहीं, तो सब आप हो गए। तो इसलिए यह जो कवि कहते हैं कि अपने आप को पहचानिए, एक सेकंड शांत रह करके, दुनिया पूरी दुनिया एक सेकंड शांत रह करके अपने आप को जानिए, आप कौन है। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे कि परमात्मा को जानने से पहले आत्मा को जानो, अर्थात अगर आप अपने आप को जान गए तो समझिए कि भगवान को जान गए, कि आपको भगवान कौन है। और जो अपने आप को नहीं जानता है, जैसे कि घर में लाइट जल रहा है, उस लाइट से और भी चीजें दिखती है कि हाँ ये ग्लास रखा हुआ है, थरिया रखा हुआ है, लोटा रखा हुआ है। लाइट को ऑफ कर दीजिए तो कुछ नहीं दिखता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो लाइट जल रहा है, उस लाइट के रोशनी से दुनिया सारा दिख रहा है कि हाँ ये है, ये सब है। जिस दिन वो लाइट जो है, तो बच्चों हमारे अंदर जो लाइट है, उस लाइट से पूरी दुनिया दिखता है। जिस दिन वो लाइट जो है समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, फिर दुनिया खत्म, यानी कि आप खत्म, दुनिया खत्म। तो ये कवि यहां पर अपने आप को जानने के लिए हम सभी को एक सेकंड शांत रहने को कहते हैं। हम मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे इसलिए जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। जिस दिन अपने आप को जब हम जान लेंगे, तो वह जो तलाश है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे कि मृग को आप देखेंगे, हिरण को देखे होंगे, उसके नाभि में एक बहुत ही खुशबूदार चीज होता है जिसका नाम है कस्तूरी। तो जन्म के बाद, उसके जन्म के बाद जब होश संभालता है वो, तो बहुत खुशबूदार होता है। तो उसको लगता है कि जंगल में शायद वो खुशबूदार चीज वहां है, और दौड़ के वहां जाता है। फिर उसको लगता है कि नहीं, वहां है, उसकी खुशबू फैल रही है। पूरा जंगल भागता रहता है, होल लाइफ भागता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता है मरने के बाद तक भी कि जो चीज वो तलाश रहा था उसी के पास था। तो कहने का तात्पर्य है कि कवि हम सभी को यहां पर एक सेकंड शांत रहने को कहते हैं, पूरी दुनिया को, और शांत रह करके अपने आप को देखने के लिए कहते हैं कि आप अपने आप को देखिए कि आप कौन हैं। आप वो नहीं हैं जो आप अपने आप को समझ रहे हैं। आप अपने आप को एक हड्डी मांस का पुतला समझ रहे हैं, तो वो हड्डी मांस का पुतला को ही सब कुछ समझ रहे हैं। नहीं, ये तो सड़ने गलने वाली चीज है, अभी है, का कुछ हो गया तो अभी नहीं है। तो इसलिए कवि जो है अपने आप को समझने के लिए एक सेकंड शांत रह के कहते हैं। जब तो जिस दिन आप अपने आप को समझ लीजिए कि मैं कौन हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि सबके चेहरे रूप रंग अलग अलग हैं, लेकिन सब एक है। आप में और मुझ में एक सुई के नोक के बराबर फर्क नहीं है, सारा उसी प्रकार से है। जैसे कि
माला में मोतियां गुथे हुए होते हैं, मोतियों के रंग अलग अलग होते हैं, अलग रूप रंग के मोती होते हैं, लेकिन जो धागा पिरोया हुआ है वो सब एक ही होता है। तो उसी प्रकार से भगवान और पूरी सृष्टि और पूरी कायनात, समझिए कि जिसने बिना पाए पर धरती को खड़ा कर दिया, पृथ्वी घूम रही है आकाश में और कोई पाया नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सारा सृष्टि पूरे कायनात में ब्रह्मांड गैलेक्सी को बनाने वाला, उसको रचने वाला आप ही तो हैं। अगर हम अपने आप को पहचान ले तो गौर कीजिए बच्चों कि अगर हम अपने आप को पहचान लेंगे, पूरी दुनिया एक सेकंड शांत होकर के अपने आप को पहचान लेगी, हम अपने जितना सारा बात बताए तो सब उसके दिमाग में जब आ जाएगा। तो कवि कहते हैं कि ना तो आतंकवाद होगा, ना शोषण होगी, ना तो पेड़ पौधों का और जंगली जंतुओं का विनाश होगा। यहां पर लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। यहां पर एक फिशरमैन का प्रयोग हुआ है कि फिशरमैन व्हेल मछलियों को तंग नहीं करेंगे ठंडे समुद्र में। मछुआरे यहाँ पर जो हैं वो प्रतीक हैं दबंग किस्म के लोग, जिसके पास तन बल है, जन बल है, धन बल है। और व्हेल मछली प्रतीक है समाज में जो कुछ नया करना चाहता है, और समुद्र जो है वो दुनिया का प्रतीक है। तो अगर सारे लोग एक सेकंड शांत होकर के अपने आप को जान जाएंगे तो जो शक्तिशाली लोग हैं, जो समाज पर दबदबा बना के रखे हैं, उसको भी समझ में आएगा कि जो मैं हूं वही तो अगला है, जो अगला है वही तो मैं हूं। तो मैं क्यों जो है उसके मार्ग में बाधा बनाऊं, बल्कि उसको और प्रोत्साहित करूं। कुछ समाज में नया देना चाहता है तो हम उसको और बढ़ावा दें, समाज को कुछ नया देना चाह रहा है तो हम उसके साथ रहें। देखिए बच्चों, यह सदियों से होता चला आया है, आज भी हो रहा है। आज आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है। किसने फैलाया? ये उन लोगों ने फैलाया जो अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। ये उन लोगों ने फैलाया जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा चाहता है। तो पूरी दुनिया पर कब्जा कौन लोग चाहते हैं? जो लोग अपने आप को नहीं जानते हैं। काश हो जो जिसने फैलाया अगर वो तो पता होता कि जो मैं हूं वही सारा दुनिया मुझ में समाया है, मैं सब दुनिया में समाया हूं, तो मैं किसको फैला करके मारना चाह रहा हूं? ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि एक हाथ दूसरे हाथ को काटने जा रहा है। बच्चों, आप लोग एक वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग्स नाम सुने होंगे, जिन्होंने जो कि अभी हाल में ही उनका देहांत हुआ है, वो व्हीलचेयर पर आते थे, उनको लकवा सा मार दिया था। उन्होंने एक किताब लिखे है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। उसमें पूरा ब्रह्मांड का चर्चा उन्होंने किया है और जो है बताया है कि कैसे कैसे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और साथ ही उसमें जो है उन्हें ब्लैक होल, ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल भी है, उसका उन्होंने चर्चा किया। तो ये आप जो देख रहे हैं कि एक सूर्य है और सूर्य के 9 ग्रह बराबर एक ब्रह्मांड हुआ, ऐसे ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं। ये हमारा जो धरती जो आप देख रहे हैं, जिस धरती पर हम सब रहते हैं, वो उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। 9 ग्रह में एक ग्रह है हमारा धरती, और तो एक सूर्य 9 ग्रह बराबर एक ब्रह्मांड।
ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं, यानी कि अरबों खरबों सूर्य हैं, उसके अरबों खरबों उसके ग्रह हैं। जितना रेगिस्तान में बालू नहीं है उससे ज्यादा जो ब्रह्मांड है। अब ये अरबों खरबों जो ब्रह्मांड हैं, यानी कि सूर्य भी अरबों खरबों है, उसके अरबों खरबों जो है कि आपके ग्रह हैं, और सब मिलकर के एक गैलेक्सी का निर्माण करता है, आकाशगंगा का निर्माण करता है। और बच्चों जानकर आपको ताज्जुब होगा कि ऐसे अरबों खरबों गैलेक्सी हैं, ये गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा हूं, अरबों खरबों गैलेक्सी है। और अरबों खरबों गैलेक्सी मिलकर के एक ब्रह्म कहलाता है, वो किताब में लिखा हुआ है, जो आपको अभी किताब का नाम बताए, द हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये तो आपका था विज्ञान। अब आप ज्ञान की ओर आइए। गीता में भगवान कृष्ण जो है, वो जब अर्जुन को युद्ध के भूमि में अपना विराट रूप दिखाए, तो उसके उस रूप में एक रोम में, उनके एक रोम में कई कई ब्रह्मांड था, एक रोम में कई कई ब्रह्मांड। तो सोचिए कि आप कौन है? आप वही हैं, वही साक्षात ईश्वर हैं। आप में और गॉड में एक थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। गॉड में तो कौन, हु जनरेट ऑपरेट एंड डिस्ट्रक्ट, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इसी अज्ञानता का कि हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। जिसने पहचान लेंगे अपने आप को, तो उस रूप में हम हो जाएंगे। तो अगर पूरी दुनिया इस बात को समझ ले तो क्या कोई मार पिटाई होगी? कोई आतंकवाद फैलेगा? कोई किसी का शोषण करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा तो हम तो किसको मार रहे हैं, तो अपने आप अपने को मार रहे हैं। पेड़ पौधों को कोई नष्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो जीव, जो आत्मा, जो परमात्मा, जो पावर, आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे, फिजिक्स में आप में है एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय सिद्धांत है, उसी को वेद पुराण में क्या लिखता है? उसी को लिखता है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना तो मरती है। फिजिक्स में कहता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय ओनली ट्रांसफॉर्म, तो उसी को रामायण गीता में लिखता है कि आत्मा तो जन्म लेती है ना मरती है, सिर्फ उसका रूप बदलता है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, उन सारे पेड़ पौधों में मैं ही तो हूं, और सारे पेड़ पौधे मुझ में तो हैं। तो जिस प्रकार से आपके पांव काटने से कितना दर्द होता है, तो पेड़ को काटने में भी तो उसको भी तो दर्द है। यानी कि सारे जीव जगत मुझ में समाया है, मैं सब में समाया हूं। जब मैं अपने आप को समझ लूंगा तो पेड़ पौधे नष्ट नहीं होंगे, जंगली जंतु जो हम लोग मार करके शिकार करके जो सब फायदा पैसा कमाते हैं वो सब बचे रह जाएंगे। और क्या क्या होगा सो बच्चों देखिए, कवि इसमें बताए हैं कि जो लोग बम गोला बारूद लेकर के विश्व को तहस नहस करने जा रहे हैं, आज आप देख सकते हैं, अगर आप लोग न्यूज टेलीविजन और रेडियो के संपर्क में होंगे तो आपको पता होगा कि आज हर एक देश एक से एक बम गोला हथियार मिसाइल अपने यहां जमा करने में लगा दिया है। क्यों भाई? इसलिए कि कुछ देश को तो डर है कि अगला हम पर हमला ना करे, अगर हमको अगला हमला करेगा तो हम भी तैयार रहेंगे तो हम हमला कर सकते हैं। और कुछ देश इसलिए जमा कर रहा है क्योंकि उसको पूरे विश्व पर कब्जा करना है। तो यह जो बम गोला बारूद की जो लड़ाई है,
यह भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दुनिया जीने योग्य रह पाएगी, धरती मानवता के निवास बना रह पाएगा तभी जब हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को जानेंगे एक सेकंड शांत होकर के। अच्छा बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि आज दुनिया ऐसी जीत चाहती है जिसमें कोई नहीं बचेगा, हारने वाला भी नहीं बचेगा, जीतने वाला भी नहीं बचेगा। हिरोशिमा नागासाकी में जब बम गिराया गया था तो उस समय में पूरा दुनिया वहां का तहस नहस हो गया, लाखों करोड़ लोग मारे गए तत्काल, लेकिन प्रभाव उसका आज तक है। लोग आज भी जो है भूखे नंगे या बीमारी से युक्त पैदा होते हैं। बहुत कोड़ हो गया है तो बहुत लोगों का हाथ नहीं, बिना हाथ के पैदा हो रहे हैं, तो कोई बिना आंख के पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां का जो बम गिरा तो रेडियो एक्टिव जो का जो प्रदूषण फैला रेडियो एक्टिव का, तो उससे जो है पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया, जिसका प्रभाव आज और जो धरती पर जहां गिराया गया धरती में भी खेती होता है, निकला जल गया खेती। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि आज के इस दौर में कवि का कहना एकदम जायज है। अगर कवि का कहना लोग नहीं मानेंगे, और नहीं ही मानेंगे, क्योंकि जो शक्तिशाली देश है वो नहीं चाहेगा कि हम कमजोर देश से अपना हाथ मिलावे, तो अगर नहीं मानेगा तो आने वाला समय में जब तृतीय विश्व युद्ध कहीं हो गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, भगवान ना करे ये सब हो, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो पूरे धरती का जो है कि समूल विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर कई बोले हैं कि हारने वाला भी नहीं बचेगा और जीतने वाला भी नहीं बचेगा, यानी कोई बचबे नहीं करेगा, वो हार जीत वाला फैसला नहीं होगा, वो सीधे खत्म विनाश। क्योंकि एक देश का परमाणु था उसमें अमेरिका के पास जो जापान में गिराया, जापान के पास परमाणु बम नहीं था, अगर जापान के पास होता तो भी अमेरिका में गिरा देता। तो एक परमाणु बम गिरा जिसका प्रभाव आज तक है, उस जमाने का परमाणु बम, जिस जमाने में जो है कि 4G 5G कुछ नहीं था, आज तो और भी तकनीक विकसित हो गया है, और आज का परमाणु बम और भी मारक क्षमता वाला हो गया है, और आज हर एक देश के पास परमाणु बम है। छोटा सा छोटा देश पाकिस्तान देश जो भूखे मर रहा है, कटोरा लेकर घूमता है पूरे देश में, हर एक जाति के देश में कि हमको पैसा दे दीजिए कुछ, हम भूखे मर रहे हैं, 100 देश परमाणु बम रखा है, भूखे मर रहा है लेकिन परमाणु बम रखेगा। तो जब तृतीय विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध का मतलब बुझ रहे बच्चों, सब देश लड़ेगा, तो वो परमाणु बम उस पर गिराएगा, वो वाला उस पर गिराएगा, वो वाला उस पर गिराएगा, वो वाला उस पर गिराएगा, मतलब हर एक देश अपने परमाणु बम छोड़ देगा एक दूसरे देश पर, तब क्या होगा? तो इसीलिए कवि कहते हैं कि धरती को अगर बचाना हो, धरती को जो है कि रहने योग्य बनाना, बारूद का ढेर नहीं बना देना हो, तो अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। आगे कवि कहते हैं कि ऐसी लड़ाई कौन लड़ने को चल पड़े हैं, ऐसी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाइयों की ओर वो धकेल रहे हैं, जो सफेद सफेद वस्त्र पहनते हैं और चेलो चपाटी के साथ घूमते हैं। मतलब बच्चों, नेता वर्ग के लोग अपने कुर्सी बचाने के लिए, अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अब चाइना देखिए, चाइना बोलता है कि हम विश्व पर कब्जा करेंगे, तो चाइना पूरे चाइना का जितना भी जनता थोड़े बोल रहा है, चाइना का जनता चाहता है कि नहीं शांति हो, सब मिलजुल के रहें, ये तो समझिए कि चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहता है कि हम पूरे विश्व पर कब्जा कर लें,
तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को ही, पाकिस्तान का जनता नहीं चाहता कि भारत से हम लड़े, लेकिन जो वहां पर नेता बनता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है, वो उन लोग का फंडा रहता है कि कुछ ऐसा करते रहे कि हम जनता का बेरोजगारी भुखमरी से दिमाग भटका करके कश्मीर मुद्दा पर जो है कि ये लोग हम लोग लड़ाते रहे। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि युद्ध की ओर धकेलता है कौन दुनिया को, तो ऐसे लोग धकेलते हैं जो अपने आप को नेता कहलाते हैं और सफेद वस्त्र पहनते हैं। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि अगर एक सेकंड शांत होकर के इन लोग भी अगर अपने आप में देखेंगे तो युद्ध जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, दुनिया भाईचारे में जीना शुरू करेगा और दुनिया जो है कि जीने योग्य बन जाएगा ना। देखिए गौर कीजिए बच्चों कि यहाँ पर एक शब्द है, आगे आगे एक शब्द एक लाइन है, वो लाइन मैंने पढ़ा है तो आपको समझा में भेजेंगे कि दुनिया सिंगल माइंडेड हो जाएगा। अगर एक सेकंड शांत होकर के अपने आप को सोचेगा कि दुनिया तो हमें समाया है, मैं दुनिया में समाया हुआ हूं, तो फिर लड़ाई झगड़ा किसे। सिंगल माइंड जब हो जाएगा, एक दिमाग का हो जाएगा, तो ना तो आतंकवाद होगा, ना जो है कि शोषण होगी, ना जो है कि पेड़ की कटाई होगी, ना जो है कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति होगी, कोई कुछ नहीं होगा। आज आप बाहर निकलते हैं तो लगता है कोरोना पकड़ लेगा, बाहर निकलते हैं तो लगता है कि कोई हमको ठग नहीं ले। आज साइबर क्राइम हाईटेक हाई स्थिति में भारत में पहुंच गया है, मतलब कि आप पैसा कमा रहे हैं सो बचा लीजिएगा, सो बहुत बड़ा आप समझिए काम कर लिए। अगर बचा लिए तो कमाना दूर की बात है, तो कौन किसको कब ठग लेगा, कहां ठग लेगा, कैसे ठग लेगा, वो भी प्रॉब्लम है। कोरोना एक प्रॉब्लम है और घर में रहेगा तो भुखमरी बेरोजगारी का प्रॉब्लम है। तो आज का जमाना जीने योग्य समय रह गया है, तो उसको क्या इसी तरह से मनुष्य जो है वो धरती का सबसे सुंदर चीज है। तो क्या इसी तरह से ही जीने का मैंने मनुष्य सीखा है आज तक, इतना ज्ञान विज्ञान इतिहास वेद पुराण बनाया गया, कैसी ऐसे ही जीने के लिए। इसीलिए कभी बोलते हैं कि अगर एक सेकंड शांत होकर के हम अपने अंदर झांकेंगे सारी दुनिया के एक साथ दो, तो हम सिंगल माइंड हो जाएंगे, और जब सिंगल माइंड हो जाएंगे तो दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हमारे सामने टिकेगा। आज समस्या जो है वो सुलझ नहीं रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सुलझाया नहीं जा सकता है, बल्कि सुलझाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं, सिंगल माइंडेड नहीं है। अगर आप गांव में देखते हैं कि कोई गांव का परिवार जो है कि चार भाई है आपस में, और चारों भाई अगर एक साथ हैं तो कोई घर का समस्या नहीं रहता है। जमीन लेना जमीन ले लिए, ट्रैक्टर ट्रैक्टर ले लिए, घर खरीदना घर खरीद लिए, लेकिन भाई अगर अलग अलग हो गया तो सब अपना अपना अलग अलग मारपीट शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार से आज हम लोग समस्या को सुलझा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं। कोई झारखंडी है, कोई बिहारी है, कोई जादव है, तो कोई तेली है, कोई भारतीय है, तो कोई जो है कि अमेरिकी है, कोई आपका उत्तर प्रदेश का है, तो कोई जो है कि पश्चिम बंगाल का है। ये सारा जो बंटवारा है जो एक दूसरे की समस्या को हल करने नहीं देता है, क्योंकि बिहारी समझता है कि झारखंडी समस्या, झारखंडी समझता है कि उत्तर प्रदेश का समस्या है, आपका पंडित समझता है कि तेली का समस्या, तेली समझता है जादव समस्या है, भारतीय समझते हैं कि अमेरिकी समस्या, अमेरिकी समझते हैं कि चाइनी के चीन लोग का समस्या है। तो ये सारी जो बंटवारा है जिसकी वजह से समस्या हल नहीं होता है। जैसे मान के चलिए बच्चों कि अगर आप गांव गए हैं, गांव में तो आपको पिताजी आपके हैं, तो वो पिताजी सारा घर घर को संभाले हुए हैं, तो अगर जिम्मेवारी नहीं लीजिएगा दोनों तो होगा क्या कि जैसे मान के चलिए कि आप रात में सोए हैं, चोर घुस गया, तो बेटा यह सोच के सोया रहे कि पिताजी घर चला रहे हैं तो देखेंगे कौन खटपट कर रहा है उस कमरे में,
और बाप यह सुनकर सोया रहे कि बेटा आया हजारीबाग से, देखेगा कि क्या कौन अगर वो फटफट कर रहा है तो तब सोते हैं। तो दोनों अगर सोए रहेगा तो फिर चोर चोरी करके ले जाएगा। तो वही बात है कि आज बीमारी को नहीं लाता आता है, जो विकसित देशों बोलते हैं कि विकासशील देशों में जैसे हो रहा है सारा समस्या उसको उत्पन्न हो रही है, विकासशील बोलते हैं अविकसित देशों में से हो रहा है, वो सब लोग विकासशील विकसित देशों पर दोष लगाते हैं। तो ये सारा जो दोषारोपण होता है जिसके वजह से सारी समस्या बनी हुई है। तो इसीलिए कई बोलते हैं कि 1 सेकंड शांत हो जाइए और शांत होकर के हम अपने आप को जब सोच अपने आप को देखेंगे तो पता चलेगा कि सब कुछ एक ही है और तब सब समस्या जो है अपने आप में हल हो जाएगी। आगे कवि कहते हैं कि अगर हम 1 सेकंड शांत हो जाएंगे और शांत होकर के अपने आप को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। जिसको आप लाइफ समझ रहे हैं वो लाइफ नहीं है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है, इसको आप समझिए बच्चों। जीवन किसे कहते हैं? और जो जीवन को समझ लेगा, लाइफ को समझ लेगा, उसको डेथ से डर नहीं लगेगा। यहां पर लाइन लिखा हुआ कि अगर हमें 1 सेकंड शांत हो जाइएगा तो मृत्यु का भय भी आपको नहीं लगेगा। तो मृत्यु का भय क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप लाइफ को समझ जाइएगा। लाइफ क्या है? लाइफ एक अनंत यात्रा है, अनंत यात्रा का नाम है जीवन। जैसे कि मान के चलिए कि आप मुंबई से चले आ रहे हैं अपने कोडरमा की ओर ट्रेन से। मुंबई से ट्रेन खुली, आके एक दादर स्टेशन वहां रुकी, वहां थोड़ा उतरे, चाय पानी पी लिए, फिर ट्रेन सीटी बजाई, फिर आप चल पड़े, यानी कि फिर कोई स्टेशन आया, वहां से चाय पानी पिए, फिर सिटी में आप चल पड़े। इस तरह से ये जो लाइफ इज इन्फिनिट जर्नी, जीवन जो है वो अनंत यात्रा। यहां उतरे हैं सिर्फ चाय पानी पीने के लिए, फिर सिटी बजेगी, चल पड़ेंगे। मौत तो कहीं है ही नहीं, मौत किसको दिखाई देता है? जिसको जीवन समझ में नहीं आता है। वो जो मौत जिसको लोग बोलते हैं वो दरअसल एक नया जीवन का नया शुरुआत है, जिसको मौत बोलते हैं। तो मौत तो है ही नहीं, हर एक जगह तो जीवन ही जीवन है, लाइफ ही लाइफ। तो जो लाइफ को समझ लिया उसको जो है मौत भी नहीं डर सकता है, क्योंकि वो तो जानता है कि मौत तो है ही नहीं। तो बच्चों मान के चलिए कि किसी एक घर में गए हैं आप, वहां बहुत सा दवा रखा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि भाई इस घर में कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ही बीमार रहता है, और एक ऐसा घर में गए हैं जहां बहुत किताब है। तो आप सोचेंगे कि इस घर में एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही पढ़ाकू है, लेकिन नहीं, दोनों बीमार है। वो तो बीमार है, ये दवा रखा बीमार है, ये किताब वाला भी बीमार है। क्यों बीमार है भाई? क्योंकि कबीरदास जी बोले हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग भया, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। तो अगर आप बहुत कुछ पढ़े हैं और लोगों से प्रेम करना छोड़ दिए तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ज्ञान जो है, विज्ञान जो है, नफरत नहीं सिखाता है। तो ये जो है कवि कहते हैं कि लाइफ को समझना, कि जीवन कितना महान है, कितना सुंदर है। जीवन क्या है, लाइफ क्या है, जीवन को जो जितना समझा उतना ही महान बना। तो जीवन को जो है दो कौड़ी का नहीं बना देना है, इस बात को समझने के लिए कभी हम लोग को 1 सेकंड शांत रहने के लिए कहते हैं। आप लोग जीवन क्या है, जैसे कि मान के चलिए कि वो आपका रैट ट्रैप चैप्टर आप लोग पढ़ाए होंगे। रैट ट्रैप में भी मैं ये बात बताया था कि जैसे कि एक व्यक्ति को बहुत ही अच्छा
पत्थर मिल गया। उस पत्थर को जो है वह बेचने के लिए जब निकला तो अलग अलग जगहों पर उसको, पहले वह सब्जी वाले के पास गया तो उसका कीमत पत्थर का वो लगाया 150, फिर पत्थर वाला जो कारोबार करता उसके पास बेचने के गया, वो नहीं बेचा वहाँ, उसके पास बेचने गया तो वो उप कीमत लगाया 1000 रुपया, फिर सोना चांदी वाला के पास गया तो कीमत लगाया 10000 रुपया, लेकिन जो हीरे का कारोबार करता था तो उसके पास वो कीमत लगाया प्राइसलेस, जिसका कोई कीमत ही नहीं क्योंकि वो शुद्ध हीरा था। तो कहने का जीवन मतलब बच्चों की जीवन यही है, जीवन एक शुद्ध हीरा की तरह है जिसका कोई कीमत ही नहीं। तो जो जिसका जितना अपने आप को समझता है वो उतना ऊंचा अपने आप को बनाता है। तो यह लाइफ जो है वह हम लोग कब समझते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं। जब आप देखेंगे बच्चों की बूढ़े लोग क्या होते हैं कि रामायण गीता पढ़ने लगते हैं क्योंकि उसको लाइफ समझ में आने लगता है। जैसे कि उस उदाहरण सुनाते हैं कि एक लड़का था जो कि थोड़ा सा टेंशन में था, वो नदी किनारे जो है बैठा था और टेंशन में जो है कि पत्थर उठा उठा करके नदी मारते जा रहा था। बहुत देर हो गया तो फिर उठा चलो चलते हैं घर चलते हैं। जब घर उठने घर जाने के लिए उठा तो देखा कि जो पत्थर हम फेंक रहे थे 10 पत्थर में से हीरा था और एक ही पत्थर एक ही हीरा बचा था, एक ही पत्थर बचा था, बाकी तो सब फेंक चुका था नदी में। तो वही है जीवन हम लोग समझते हैं, होल लाइफ हम लोग मेरा मेरा है आपाधापी में, धन संपत्ति बैंक बैलेंस गाड़ी मोटर के चक्कर में फंस जाते हैं, लाइफ को समझते नहीं, अंत में लाइफ समझ आता है। तो लाइफ बहुत सुंदर चीज है, उसको हम तभी समझेंगे जब हम अपने आप को समझेंगे। अंत में कवि जो है वो कहते हैं कि पूरी दुनिया एक सेकंड शांत होकर के अगर अपने आप को देखेगी, अपने आप को झांकेगी, तो दुनिया हमें क्या सिखाएगा कि धरती में कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमेशा टिकाऊ है, यहां तक कि सूर्य का भी मौत है। ये कि सूर्य का एज हम लोग से ज्यादा है तो पता नहीं चलता, लेकिन सूर्य भी मरेगा क्योंकि धरती लोक है, मृत्यु लोक है, इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। राजा हो राम को भक्त हो भगवान हो सबको जाना पड़ा है धरती से। तो एक सेकंड शांत होकर के जब हम सोचेंगे तो हमको पता चलेगा कि दुनिया में हर एक चीज जो है मरणशील है, कोई अमर नहीं है। तो फिर हम छोटी छोटी बातों के झगड़ा क्यों करते हैं, हम प्रेम शांति और भाईचारे से जीना क्यों नहीं सीख रहे हैं, किस बात के झगड़ा हो रहा है। तो इसीलिए कवि जो है कहते हैं कि अगर एक सेकंड हम शांत हो जाए तो हम क्या होगा कि पृथ्वी हमें सिखाएगी कि सब कुछ मरणशील है, तो हम प्रेम से रहना सीख जाएंगे। और उसके बाद कवि कहते हैं कि अब काम कीजिए। देखिए बच्चों, पहले बोल रहे हैं कवि कि काम बंद कीजिए, बात बंद कीजिए, भाषा मत बोलिए, लेकिन आप बोलते हैं कि अब काम कीजिए। क्यों आप बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि अब सोच बदल गया। अब जो है पहले काम कर रहे थे अपने लिए, अब कर रहे हैं अपनों के लिए। पहले काम जो कर रहे थे अपने लिए उसमें ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी, थकावट आ रही थी। अब हम काम करेंगे अपनों लिए, मतलब सबके लिए काम करेंगे। अब विचार बदल गया, अब आंख से पट्टी खुल गया। आंख में पट्टी बांध के अगर घर में झाड़ू लगाएगा तो आप थोड़ा गंदा यहाँ छूट जाएगा, थोड़ा गंदा वहां छूट जाएगा, लेकिन वही काम अगर पट्टी खोल के कीजिएगा तो सब साफ जगह साफ हो जाएगा। तो काम तो वही कीजिएगा, काम ऐसा थोड़ा कि काम चेंज हो जाएगा, काम वही कीजिएगा लेकिन आपका विचार बदल जाएगा। और जब विचार बदल जाएगा तो काम अच्छा तरीके से होगा, थकावट नहीं आएगी, जलन नहीं आएगी, ईर्ष्या नहीं आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि अंत में हमें काम करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा सोच जो है बदल गया है। अंत में कवि कहते हैं कि मैं 12 गिनूंगा, आप लोग सब शांत हो जाइए और मैं चलूंगा। तो ये था कविता बच्चों।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे और उसका फिर जो है हिंदी भी करवा देंगे। और एक चीज़ और बच्चों ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स का वीडियो जो है कल जाएगा सेकंड चैप्टर का, तो उसमें आज के वीडियो, आज के इंग्लिश वीडियो में ही गौर कीजिएगा, आज के इंग्लिश वीडियो में ही इकोनॉमिक्स के बच्चे सुन लीजिए जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं पढ़ रहे हैं वो सुन लीजिए कि आज के इंग्लिश वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जाएगा और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद उसको हम समझाएंगे फिर कल। और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।